मंदिर है मारो बाड़ी मंगल होगा जा माया से बुढ़िया मारो हो बता अरे जा रे एक हो गया दर्शन हो गया सबका दर्शन हुआ है छोड़ दे चलो दर्शन चलो। देखिए हमारा मामा जी ने पूरा गाइड कर रहे हैं तो मामा जी इसके बारे में कुछ बताएंगे क्या होता है मैंने ये क्या मंदिर के बारे में कुछ मैंने यहाँ पे राम जी कुछ दिन ठहरे थे राम जी कुछ दिन ठहरे थे यहाँ पर मैंने सीता जी के साथ जब उनका वनवास हुआ था अयोध्या के लौटने के बाद यहाँ पर ठहरे थे यहीं से आगे निकले थे यहीं से आगे निकले थे मैंने कहाँ पर रुके थे जगह कुछ ऐसा कुछ जगह है ये जगह है मैंने ये तो पूरा एरिया है लेकिन कहाँ ये जगह में रुके थे तो देख लीजिए आप लोग तो आप लोग के लिए मैं कितना मेहनत कर रहा हूँ तो मेरा चैनल को विजिट कीजिए देखिए ये जगह पे राम जी ने कुछ दिन रुके थे तो मैं देखिए मैं आप लोग को अंदर लेके जाता हूँ विशिष्ट कश्यप ध्रुव गौतम दीदी ये सात ऋषि है ना देखिए सप्त ऋषि जो हम लोग मानते हैं ठीक है प्रभु अगर मेरा कोई गलती होगा तो मुझे माफ कर दीजिए सर आपको मेरे तरफ से नमस्ते सर मेरा एक ब्लॉग चैनल है आपको उसी में मैं वेलकम करता हूँ मेरा तार्जन ब्लॉग में तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ ये इसी के बारे में जो आश्रम के बारे में कुछ बताएंगे दो लाइन सर आपको पहले परिचय अपना देंगे मेरा परिचय माँ महर्षि भरद्वाज मुनि का पुजारी कला निधि गोस्वामी मेरा नाम है जी जी ये महर्षि भरद्वाज महामुनि जी यही भगवान श्री राम आया जब रावण को मारा ब्रह्महत्या का शाप लगा जी तो आकाशवाणी की प्रयागराज में जाइए महर्षि भरद्वाज मुनि के आश्रम में वहाँ यज्ञ करिए तपस्या अगर ये प्रसन्न होगा तो आपका परिवार का उद्धार होगा आपको श्राप से मुक्ति मिलेगी भगवान माता जानकी के साथ यहीं बैठ के 3 दिन यज्ञ किया तपस्या किया इनको प्रसन्न किया जब ये प्रसन्न हुए ने शंकर भोले थे कहा भोलेनाथ विकाल धरती थे उन्होंने पहले ही देख लिया भगवान गुरु जी के आश्रम में आए हैं तो उन्होंने माँ गंगा से कहा माँ गंगा गुरु जी के आश्रम में प्रभु श्री राम आ गए हैं हम जटा खोलते आप यहीं पे बहो भोलेनाथ ने जटा खोला माँ गंगा यही बहने लगी सीढ़ी के नीचे संगम था यहाँ 2 घंटे टंगे हुए है यहाँ संगम था रामायण की बात बता रहे हैं मेरी अपनी नहीं यही संगम था भगवान ने स्नान किया तब माता जानकी आगे इनसे कहने लगी गुरु जी आप 84,000 ऋषियों के गुरु हैं आप गुरु हैं जो है आप हम लोग को ब्रह्महत्या के श्राप से मुक्ति दिलाई है इनके कहने पे अत्रि गौतम भृगु कश्यप जबदग्नि वशिष्ठ मुनि सारे ऋषि आश्रम में रहते थे सबने यहाँ घोर तपस्या की और जब घोर तो आकाश पाताल में पृथ्वी में हाहाकार हो गया तो भगवान को यहाँ प्रकट होना पड़ा ब्रह्मा विष्णु महेश ब्रह्मा विष्णु महेश तब देखा बोला जय श्री राम भगवान को नमस्कार करके बोला कि जो है भगवान आप जो है कैसी भी आप वही राम है कृष्ण अवतार में कृष्ण होते हैं विष्णु अवतार में विष्णु होते हैं आपका कैसे आप ब्रह्मांड की कौन सी शक्ति हैं जो है जिसको जय श्री राम बोलने से ही सारे शरीर का कष्ट दूर हो जाता है दूर होता है सोते समय राम खाते समय राम मरते राम शाम चोट लगी हे राम आप कौन सी थे तब प्रभु श्री राम ने कहा या भरद्वाज मुनि वसई प्रयागा तिन्ह राम पते तिन्ह रागा तापस शमदम दया निधाना परमारत पर परम सुजाना अजो जो पक पड़े हमारे त्योते उद्धार मेरे एक कदम रखने से धरती पवित्र होती है जो मनुष्य आएगा पति पत्नी माँ बेटा जब इनको जो आशीर्वाद देगा कथा करेगा तब उनका जो है उद्धार होगा यही भगवान ने कहा फिर कहा भरद्वाज आश्रम प्रभु आए करत दंडवत मुनि और लाए मनि मनि मोदना कर कर जाई ब्रह्मानंद राशि जन थैंक यू सर थोड़ा मैं दूसरा जगह भी मुझे विजिट करना है तो ठीक है आपको क्या सर ना मैं आऊँगा सर अभी गंगा मैया का आरती चल रहा है अपने अपने जगह पे खड़े रहे आरती सभी भक्तजनों के पास आएगी आरती के लिए इधर उधर न भागे अपनी जगह पे खड़े रहे
धक्का मुक्की करके आगे ना आए, जहाँ पर खड़े हैं वहीं पर खड़े रहे। आरती आपके पास आएगी, ये भजन जीवन का मूल मंत्र तत्पश्चात प्रसाद वितरण सभी भक्तगण प्रसाद ग्रहण करके जाए। प्रसाद दिए आप लोग बिल्कुल ना जाए, और निःशुल्क आती है बिल्कुल आप उसकी चिंता ना करें, आप प्रसाद दीजिए तब यहाँ से प्रस्थान करिए। हरी सर ये सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि कहिए। गंगा मैया का आरती चल रहा है, तो ये आरती में आप लोगों को दिखा रहा हूँ, तो देखिए। जय हो, जय हो, जय हो।